नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं माई स्टडी दोस्त। सो गाइज, ये है आपका ज्योग्राफी का मास्टर सीरीज पेपर वन, यानी कि इसमें आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा और इतने क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको डेफिनेटली इसी वीडियो से क्वेश्चंस मिल जाएगा ज्योग्राफी से। तो आपको जो 7 डे स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसमें आपको ये सबसे पहले इंक्लूड कर लेना है कि उसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ज्योग्राफी से स्पेशली। अब देखिए, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देख लेना, 20 मिनट 30 मिनट जितने भी टाइम का है, इसको देखने के बाद में आपको डेफिनेटली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसको मैं चाहता था कि टाइप करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि यार जिस बंदे को पढ़ना है वो ये से भी पढ़ लेगा और उसे टाइप करने में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी बाद में करके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी आपको जो है इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, डेफिनेटली आपको पता है एक क्वेश्चन आपका आता है, कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपको, वहीं से मैंने टारगेट किया। सबसे पहली बात, 0 डिग्री अक्षांश जो होता है आपका विषुवत रेखा कहलाता है, ठीक है। जो जैसे अक्षांश रेखा आप कैसे खींचते हैं इस तरह से, तो ये जो बीच का लाइन होता है ना, इक्वेटर, इसको बोला जाता है विषुवत रेखा। उसके बाद देखिए, विषुवत रेखा के दोनों ओर उत्तरी और दक्षिणी में गोलार्ध स्थित होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया, ये उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्दर्न हेमस्फीयर और ये साउथ हेमस्फीयर, ठीक है ना। तो ये आपके पास में हो गया। उसके बाद देखिए, 1 डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश वृत्तों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे इस तरह से आपने वृत्त बनाया, एक तो बीच का हो गया, उसके ऊपर देखिए इधर और इधर, टोटल मिला के 181 खींचे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये ध्यान रख लेना है, और वृत्त जो है आपके पास में, ये तो अक्षांश हैं, और वृत्त जो है अगर आप ऐसे वृत्त बनाना चाहें तो सिर्फ 179 खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है कि प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांश दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। इसमें कुछ 1.2 भी लगा देते हैं, 111.2 ऐसा कुछ, तो 111 याद रखिएगा 1 डिग्री अक्षांश के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, 0 डिग्री अक्षांश को जो है वृत्त व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी अक्षांश व्रतों से इस परिणाम सबसे अधिक होता है। देखिए, वृत्त व्रत मतलब सबसे बड़ा व्रत, अगर आप यहाँ पर व्रत खींचेंगे तो सबसे बड़ा बनेगा, उससे ऊपर जैसे खींचते जाएंगे छोटा बनता जाएगा छोटा बनता जाएगा, तो इसलिए वृत्त व्रत भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा व्रत है ये, तो इसलिए विषुवत जो है सबसे बड़ा व्रत होता है 0 डिग्री अक्षांश। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे होता है आपका कैंसर, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री। उसके बाद देखिए, उप आर्कटिक व्रत होता है 66.5 डिग्री पे। मकर रेखा जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ये नीचे की तरफ होती है साउथ पोल की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उप आर्कटिक व्रत जो होता है 66.5 डिग्री पे होता है, और ये होता है इसके साउथ पोल की तरफ, और नीचे देखिए 90 डिग्री पे साउथ पोल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है। तो ये सारी चीज़ देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ आपको फोकस करना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार बहुत बार पूछा जाता है, जिससे तो लोगों को याद रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो फैक्ट है वो भी ध्यान रखें। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। एक ही जगह ध्यान रखिएगा, कई बार नॉर्थ की जगह पे क्या करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ से साउथ, तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि भारत जो अक्षांश स्थित है पूरा पूरा जो है नॉर्थ में ही स्थित है। और उसके बाद में अगर बात करें द्वीप समूह के सम्मिलित हुए हुए, अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे आपका जो द्वीप समूह को शामिल कर लिया जाए, जैसे ये तो क्या है मुख्य भूमि है भारत की, अगर द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाए तो इसका जो है 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक रहता है, तो ये नॉर्थ मत भूलना, ठीक है ना। उसके बाद भारत का सबसे उत्तरी सिरा जो है वो इंदिरा कोल है, जम्मू कश्मीर में है उत्तरी सिरा। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम सिरा जो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। कश्मीर से कन्याकुमारी बोला जाता है, लेकिन कन्याकुमारी मुख्य भूमि का भाग है, लेकिन इसका अगर जो बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो आपके पास इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट के पहले जो है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है, जो हिंद महासागर को छूता है। उसके बाद देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश पर रेखा से जाती है। भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है कर्क रेखा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राज्यों से गुजरती है और किन किन राज्यों से गुजरती है। देखिए, सबसे पहले आपने देखिए नक्शा बना लेना है, उसमें आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको देखिए लेफ्ट साइड में देखिए गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के पास में ही मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 के 8 आपको याद रख लेना है, अब कोई ट्रिक नहीं है देखिए मेरे पास। तो अब आप लोग ट्रिक याद करने से अच्छा है कि इनको ही आप मैप में देखिए। देखिए, मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप ये करना, मैप लीजिए, ठीक है ना, एटलस में जाके वहाँ पर ढूंढिए, भारत का नक्शा देखेंगे, उसमें देखिए गुजरात कहाँ, इस तरह से लाइन बनाइए और उस तरह से उसको कट करते हुए इन 8 राज्यों को गुजारिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आप डेफिनेटली याद कर लेंगे, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये ट्रिक व्रिक याद मत किया करो। उसके बाद देखो, प्रधान या मोत्तर 0 डिग्री देशांतर जो है इनके दोनों ओर 180 तक के देशांतर खींचा जा सकते हैं। आप देखिए, अभी हमने अक्षांश जो आड़ी रेखाएं होती हैं, देशांतर जो खड़ी रेखाएं होती हैं, इसमें भी क्या होता है कि सबसे बीच वाली जो रेखा होगी इस तरह से, ये 0 डिग्री का देशांतर कहलाता है। इसके देखिए दोनों ओर जो है 180 लाइन इधर खींची जा सकती है, 180 लाइन इधर खींचा जा सकती है, तो टोटल जो है 360 देशांतर यहाँ पर खींचे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 180 देशांतर के बीच में जो है आधार पर पृथ्वी के दो बराबर गोलार्धों में बांटा जाता है।
ठीक है ना। तो दो बराबर गोलार्धों में बांटा जा सकता है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रख लेना, 0 डिग्री और 180 डिग्री एक ही लाइन पे आते हैं ये, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना। नहीं तो आप ये कहो कि सर 180 180 260 360 तो यही हो गए और एक बीच वाला, तो ऐसा नहीं करना है। विषुवत रेखा पर दो नियमित देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है, ठीक है ना, 111.32 किलोमीटर। अब वहाँ पर देखिए 111 था कहाँ पे, अक्षांश में, देशांतर में 111.2, तो लगभग ये समान सा रहता है। और ये मैक्सिमम है, ये यहाँ पे आप जाएंगे ध्रुवों की तरफ तो कम होता जाता है, लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि ये मैक्सिमम है। ध्रुव की ओर जाने पर यह दूरी क्या होती है, घटती है। भारत का जो देशांतर विस्तार है, भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है ना, पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है और वहाँ पर क्या था, नॉर्थ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो भारत का जो देशांतर विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। दोनों में ईस्ट लगा हुआ है और वहाँ पे नॉर्थ था, तो ये ध्यान रख लेना है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे पश्चिमतम सिरा जो है गुजरात का गोरमोता है। अब देखिए वहाँ पे तो आपने देखा इंदिरा पॉइंट था, अब यहाँ पे देखिए जो पश्चिमतम सिरा है गुजरात है वहाँ पे, तो गुजरात में गोरमोता है। उसके बाद में भारत का सबसे पूर्वी सिरा जो है अरुणाचल प्रदेश में है और वो है किवथू, किवथू या आप इसे वारंगला बोल सकते हैं, किवथू या वारंगला एक गांव का नाम है, तो वो है यहाँ पे। उसके बाद देखो पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है, पृथ्वी के समय का जो निर्धारण है। 0 डिग्री देशांतर जो है लंदन में ग्रीनविच जो वेधशाला से गुजरता है, इसे GMT बोला जाता है, GMT इसे कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद पूरे विश्व में 24 समय मंडलों में बांटा गया है, पूरे विश्व को 24 समय मंडलों में बांटा गया है, और ये विभाजन जो है 15 डिग्री देशांतरों के अंतराल पर किया गया है। और 15 डिग्री देशांतर में जो होता है 1 घंटे का टाइम होता है, 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का जो है समय होता है। अब एक देशांतर जो होता हो ना वो 4 डिग्री 4 मिनट के, और 15 जो हो जाएगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का। अमेरिका और कनाडा ने अपने जो है मुख्य भूमि में सबसे ज़्यादा 5 टाइम जोन है, अमेरिका और कनाडा की सबसे ज़्यादा जो है 5 टाइम जोन है उसमें बांटा गया है। और जो रूस है ये सबसे अधिक है, इसमें 11 टाइम जोन है, क्योंकि रूस का जो विस्तार है इस तरह से कुछ ज़्यादा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे जोन में बांट रहे, तो इस तरह से ज़्यादा जोन में बांटा गया है। अमेरिका और कनाडा 5-5 हैं और इनके सबसे ज़्यादा रूस के 11 हैं। भारत का जो टाइम जोन है सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, 82.5 डिग्री IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना। और जो IST जो लाइन है एक 5 राज्यों से गुजरती है, UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा भारतीय मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है ना, 5.5 आवर, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए IST लाइन जो है इलाहाबाद के नैनी शहर गुजरात से गुजरती है, गुजरात नहीं है, गुजरती है, और मिर्ज़ापुर UP में भी गुजरती है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि वहाँ पे कौन से शहर से गुजरती है, ठीक है ना, इलाहाबाद के नैनी शहर से और यहाँ पे आपके पास में मिर्ज़ापुर UP से भी गुजरती है। उसके बाद देखो फर्स्ट डे लाइन जो है आपकी सबसे पहले 75 डिग्री नॉर्थ, जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है ना, IDTL है आपके पास में, तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है सबसे पहले 75 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर जो है पूर्व की ओर मोड़ा गया है। और उसके बाद में इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करने पर या तो क्या होता है, एक दिन ऐड होता है या एक दिन कम होता है, ठीक है ना, तो यह ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन जुड़ जाएगा, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन कम हो जाएगा। देखिए ये डेट लाइन इस तरह से खींची गई है, सपोज दैट इधर मैं मान लेता हूँ ईस्ट है, इधर वेस्ट है, अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन जो है जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और अगर आप इस तरह से इसको क्रॉस करके इस तरफ आ जाते हैं तो एक दिन कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मैंने आपको बताई है, अब इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंडिया के शेप एंड साइज़ के बारे में। तो भारत का जो है भौगोलिक क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद देखो उससे पहले नंबर पे आता है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। तो ये 8 के 8 आपको याद रख लेना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे छोटे राज्य इस प्रकार हैं। अब देखो सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 राज्य से सबसे बड़े हैं, राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र और UP, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और इसमें जो है 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, वो इसमें है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर, और यहाँ पे बिहार में रहते हैं 1102।
तो सबसे ज़्यादा जो है घनत्व की बात कर रहा हूँ, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा, घनत्व बिहार में है, पश्चिमी बंगाल में, उसके बाद है केरल में है, फिर सबसे कम जो है चौथे नंबर पे आता है यूपी। वैसे जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है यूपी, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से चार सबसे कम राज्य, छोटे राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, मिजोरम में है, उसके बाद फिर सिक्किम में है और फिर नागालैंड में है। ओके, उसके बाद देखिए भारत का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कौन सा है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। और भारत का जो उत्तर से दक्षिण की विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। उसके बाद भारत का जो कुल सीमा है वो कितना है, 22,716.5 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो स्थलीय है और तटीय दोनों। अब इसमें स्थलीय जो है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय है, और तटीय जो सीमा है वो है 7,516.5 किलोमीटर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखो सबसे पहले आप आता है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है, तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, और ये है आपके पास में 4,096.7 किलोमीटर, ठीक है, 4,096.7 किलोमीटर शेयर करता है। और कौन से राज्य इससे लगते हैं ये ध्यान रख लीजिएगा, पश्चिमी बंगाल इससे लगता है। देखिए ये चीज़ आपको जो है मैप से समझनी है, मैप में देखो बांग्लादेश कहाँ है, इसके आसपास कौन से राज्य लग रहे हैं, तो उससे आपको एक दो बार प्रैक्टिस करने भी याद हो जाएगा। बाकी बहुत से लोग ट्रिक बताते हैं, तो वो चीज़ देखिए अगर आप ट्रिक लगाने याद करने में एफर्ट लगा रहे हैं, इससे अच्छा है ना कि आप इसको मैप में देख लीजिए, आपको डेफिनेटली वैसे कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है रेखा जो है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन, या इसे शून्य लाइन भी बोला जाता है। उसके बाद आता है चीन, चीन जो है 3488 किलोमीटर है जो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। पांच राज्य हैं, पहला है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, इसका है 3323 किलोमीटर, चार राज्यों के साथ शेयर करता है, पहला है जम्मू कश्मीर, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। नेपाल आता है उसके बाद में चौथे नंबर पे, 1751 किलोमीटर शेयर करता है पांच राज्यों के साथ में, उत्तराखंड है, सिक्किम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी बंगाल है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यांमार की, म्यांमार आता है 1643 किलोमीटर। देखिए ये ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो ये चीज़ भी आपको ऐसे ही याद रख लेना है, चार राज्यों के साथ शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। उसके बाद आता है भूटान, भूटान आता है 699 किलोमीटर, चार राज्य हैं इसके साथ में शेयर करने वाले, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और असम है। तो ये चीज़ भी ध्यान रख लें। और सबसे कम जो शेयर करता है वो अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, सिर्फ एक ही राज्य के साथ वो है, वो जम्मू कश्मीर। तो ये चीज़ आपको जो है एकदम डेफिनेटली याद होनी चाहिए। और ये सबसे पहले बेस्ट तरीका आपको मैं बता दूं कि इसको आप मैप में देखिए कहाँ पे आपके बाउंड्री शेयर करने वाले राज्य हैं, कौन सा किससे टच हो रहा है, एक दो बार आप देखिए मैप भरना सीख गए ना, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन ये गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकेशन किसकी कहाँ पे है। उसके देखो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को जो है डुंडर लाइन कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो भारत के भू आकृतिक प्रदेश, जो भू आकृतिक प्रदेश में सबसे पहले जैसे पर्वत की बात करूँ, तो भारत की जो स्थलीय भूमि है उसमें 10% भाग पे जो है 10.6% भाग पे जो है सिर्फ पर्वत हैं, और 18.5% भाग पे पहाड़ियाँ हैं, और 27.7% भाग पे पठार हैं, बाकी जो बच गया 43.2% इस पे जो है आपका मैदान है। अब देखो जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जो है हिमालय आपका फैला हुआ है, और वह 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। या तो आप इसे बोल दीजिए जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक, या सिंधु गोर से दिहांगर, या नंगा पर्वत से नामचा बर्मा तक, ये इस तरह से फैला हुआ है आपका 2500 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। अब इसमें देखिए पश्चिम में जो है 400 किलोमीटर और पूर्व में 150 किलोमीटर तक चौड़ा है। देखिए पश्चिमी भाग में जो हिमाचल है वो चौड़ा है, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते ऐसे संकीर्ण होता जाता है, और ये लगभग 150 किलोमीटर तक हो जाता है पूर्व की तरफ। उसका देखिए ये जो पूरा फैला हुआ है ये 5,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद देखिए जो K2 है 8,611 मीटर, इसकी जो है किलोमीटर मत कर देना, मीटर है, गोडविन आस्टिन इसको भी बोला जाता है, K2 को ही गोडविन आस्टिन बोला जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए सियाचिन आपके पास में है ग्लेशियर, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6,000 मीटर है, जो वृद्ध हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। उसके बाद देखिए लघु हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर है, ठीक है। उसके बाद देखिए पीर पंजाल जो है आपके पास में, ये झेलम नदी और व्यास नदी के बीच में है। उसके बाद धौलाधार, ये आपके पास में बद्रीनाथ के नज़दीक जो है आंशिक विस्तार, ये पर्वतों को पहाड़ियों के नाम बता रहा हूँ आपको, जो झेलम नदी और व्यास नदी के आसपास है पीर पंजाल, धौलाधार जो है बद्रीनाथ के नज़दीक जो है आंशिक विस्तार है इसका उत्तराखंड में। उसके बाद नागटिब्बा है नेपाल के धौलगिरी चोटी के पास में है। महाभारत है नेपाल के वृद्ध हिमालय के दक्षिण में। और भारत की सबसे मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो है वूलर झील, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवालय के क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1500 मीटर है। अब दर्रों की बात करते हैं, सबसे पहले आता है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर जास्कर पर्वत में है और श्रीनगर से लेह तक जाता है। उसके बाद देखिए बनिहाल दर्रा है आपके पास में,
और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल पर्वत पर श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1A है, इसी दर्रे से होकर जाता है। उसके बाद देखिए सिपकिला दर्रा है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद बड़ा लाचाला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश को मंडी में है और मंडी से लेह तक जोड़ता है। उसके बाद रोहितांग दर्रा है, मनाली को लेह से जोड़ता है। उसके बाद देखिए आपके पास में है माना नीति दर्रा है, ये उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे आपके लिए बताई है आज। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रख लेने हैं। जो दर्रे थे वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन किसके साथ कैसे बाउंड्री शेयर करता है, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। तो वीडियो जो है डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये पूरा का पूरा मटेरियल आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं और आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी आपको लास्ट टाइम में सिर्फ इतना पढ़ लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले तो यार वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप इसमें कुछ भी नहीं सोचेंगे, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।